फोन क्यों नहीं उठा रही निता? हेलो, हेलो, फोन काट दिया। हेलो, हे, आई एम हियर अहिल। निता, कब से फोन ट्राई कर रहा हूं तुम्हारा, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? आई एम सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पर था, मैंने तुम्हारे मिस्ड कॉल्स अभी देखे। सनम भी फोन नहीं उठा रही है, देखा तुमने उसे कहीं? हाँ, उसने मुझसे कहा था वो अपनी बड़ी अम्मी से मिलने गई है। यहीं से वो बड़ी अम्मी? हाँ, वो कह रही थी कि अपनी बड़ी अम्मी से मिलने जाएगी। आई डोंट नो आहिल भाई, मैंने हर जगह देख लिया, सनम कहीं भी नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा ना आहिल, वो जल्दी में थी, निकल गई होगी, बिग डील। बेबी, वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आई थिंक मुझे सनस्ट्रोक हो गया है। कैन वी प्लीज गो होम बेबी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज आहिल। बैठ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गई। कहाँ चली गई थी तुम? मेरी तो जान निकाल दी थी तुमने। अरे, मुझे ढूंढने जाने की क्या जरूरत थी? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? अच्छा ठीक है, अगर मेरी फिक्र हो भी रही थी तो मुनीसा से कह देती, वो मुझे कॉल कर देती ना। हाँ कि ना? हाँ दिलशाद भी, मैंने तो इसको कहा था कि मैं फोन कर देती हूँ, मैंने आपको फोन किया भी था, पर आपका फोन ही नहीं लगा। अब मैंने इसको समझाया था कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अब भला ये कोई जंगल थोड़ी है, अच्छा खासा बड़ा शहर है, यहाँ पर कोई खो थोड़ी जाएगा। हाँ अल्लाह, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या क्या रही है, जरूर छोट मोट की बातें बना रही होंगी। न जाने इसने क्या सुना और मेरे पीछे से भागती चली गई। मुनीसा, तुम जानती हो कि हया को अपनी बड़ी अम्मी की कितनी फिक्र रहती है, एक दिन तुम बाहर नहीं जाती तो क्या हो जाता? तुम जानती हो उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। या अल्लाह, राहत, तुम इसकी वजह से मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? आप कुछ सुन समझ नहीं सकता तो इसमें मेरी क्या गलती है? बस मनीषा,
मुनसब। राहत जाने दो। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी को एक बार फिर से बचा लिया। लेकिन देखिए, आपको मेरी कसम है, आप आज के बाद मुनीसा से ऐसे बात मत कीजिएगा। और मैं वाकई नहीं जानती कि मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगी। दिलशाद भी, मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार किसी की जान बचाते हुए इंसान खुद जीना सीख जाता है। ना किसी को बताए, ऐसे नई जगह से कैसे जा सकती है? वो अजीब लड़की है, किसी को तो बताना चाहिए था उसे। कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? कार की रोक दी। क्या हुआ आयल भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सनम हवेली में ही हो? कमऑन, उसने मुझसे खुद कहा था कि वो किसी से मिलने जा रही है, कोई रिलेटिव का नाम ले रही थी। वैसे भी बेबी, मेरा बहुत सर दुख रहा है। कैन वी प्लीज गो होम? चवन्नी की कसम, चाय में शक्कर बहुत कम है। 50 पैसे एक्स्ट्रा दे देंगे, थोड़ा शक्कर डाल दो ना। पहला उधार तो चुपचाप कर दो, बड़े आए 50 पैसे देने वाले। अहिल भाई, ये तो वो हवेली वाला मैनेजर है। मैं इससे पूछता हूँ, शायद इसने सनम को देखा होगा। बेबी, कहाँ जा रहे हो? अभी पैर। अरे रियान भाई, क्या बात, बहुत परेशान लग रहे हो भाई। Come on आहिल, तुम एक सर्वेंट के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो? चाय लेंगे? नहीं नहीं, मुझे कोई चाय नहीं चाहिए। जी, क्या आपने सनम को फार्म हाउस से जाते हुए देखा था? जब मैं फार्म हाउस से निकला, मैंने उस लड़की को निकलते हुए देखा ही नहीं। और यहाँ से जो बस गुजरती है ना, मुझे तो वो उसमें भी नजर नहीं आई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कोई और बस पकड़ी हो? नहीं नहीं रान भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी बस जो है वो 1 घंटे के बाद जाती है। अगर वो बस में गई होती तो मुझे उस बस में नजर आ जाती। वैसे आप लोग उसे अपने साथ क्यों नहीं लगेगा? देखो कसम चवन्नी की, एक्स्ट्रा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फार्म हाउस में रहेगी? एक पते की बात बता रहा हूँ, मालूम है उस फार्म हाउस में रात में बहुत अंधेरा हो जाता है, और ऐसे में किसी आदमी का वहाँ अकेले रहना बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, मालूम है? रियाने काम करो, तुम नेदा को घर छोड़कर आओ, मैं सनम को लेकर आता हूँ। आहिल भाई, आहिल,
सनम, सनम, सनम। कहाँ गई वो लड़की? सनम, सनम कहाँ हो तुम? दाविश तो सनम, 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 सनम। सर, आंखें खोलो सर। शरम, शरम, शरम आंखें। शरम, शरम आंखें खोलो अपनी शरम। सनम, सनम आंखें खोलो अपनी सनम, सनम, सनम प्रिय सनम। सनम ओपन योर आईज, आंखें खोलो।
डर लग रही है मुझे। अच्छा हुआ जवाब आ गए। मुझे लगा मुझे एक बात बताओ सनम, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? अक्कल नहीं है तुम्हें? मुझे? हाँ तुम्हें। तुम जानती हो ना ये क्या है? वॉशिंग मशीन। कपड़े धुलते उसमें, इंसान नहीं। क्या कर रही थी तुम अंदर? What were you doing inside? इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं मुझे? आपको लगता है मैं जानबूझ के अंदर गई थी? तो फिर कैसे पहुंची अंदर? क्योंकि मुझे किसी ने बाहर से धक्का ले लिया था। सनम, तुम्हें कौन धक्का देगा यहाँ पर? अब इतना मुझे नहीं पता। मेरा फोन अंदर गिर गया था, मैं उसे उठाने गई थी। और जैसे मैं अंदर गई, बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। वेरी गुड। ये तो मैं जानता हूँ कि तुम बातें बहुत करती हो, लेकिन ऐसी कहानियां भी बनाती हो। फर्स्ट टाइम, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। दिमाग खराब नहीं है मेरा जो मैं कहानियां बनाऊं। मेरा यकीन कीजिए। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बात का यकीन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये कहोगी कि यहाँ पर एक भूत है जो स्पेशली इस वॉशिंग मशीन के अंदर धक्का देने आया, और यहाँ पर भूत है इसका मतलब ये जगह हॉन्टेड है, दैट मींस मुझे ये जगह नहीं खरीदनी चाहिए। यही कहना चाहती हो तुम, राइट? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके आने से पहले मैं मर रही थी, और कम से कम ऐसे हालात में मैं कोई कहानी या कोई झूठ नहीं बोलूंगी। आपको हमेशा मेरी हर बात मजाक या बेवकूफी क्यों लगती है? तुम बातें ही ऐसा करती हो इसमें मैं। नहीं, इसलिए करते हैं क्योंकि आप उससे नफरत करते हैं। क्या मैं तुमसे नफरत करता हूं? हाँ, इसीलिए मैं वापस आया तुम्हें ढूंढने के लिए। इफ दैट्स द रीजन, तो भी ठीक, आई हेट यू। किसने कहा था या और मुझे बचाओ? नाथ, हाँ क्या होता ज्यादा से ज्यादा, मर ही जाती ना मैं तो, कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाती? मर जाती तो मर जाती। और वैसे भी मैं हूं ही कौन आपकी? एक नौकरी तो, एक मुलाजिम। नौकरों की कमी नहीं है इस दुनिया में। मैं नहीं रहती, कोई और आ जाता, मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम मेरे लिए सिर्फ एक मुलाजिम हो। तुम ये जानना चाहते हो कि तुम मेरी कौन हो? मैटर ऑफ फैक्ट ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरी कौन हो। कि ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारे बारे में बार बार क्यों सोचता रहता हूं? ऐसा क्या है तुम में? क्यों मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जितना दूर करने की कोशिश करता हूं, उतनी ज्यादा तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनती जाती हो? मैं जानना चाहता हूं कि जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। टेल मी व्हाई सनम, क्यों सनम क्यों?